Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Al Hadi Foundation School. Today we are going to start unit number 1 of our science book, which is Structure of Living Organisms. इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे, ये जानेंगे कि जानदार चीज़ें, लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से दिल के बने हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है और वो क्या क्या फंक्शंस किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, एक फूलदार पौधे की साख्त। अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। एक आम फूलदार पौधे को हम बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स, पौधे के वो हिस्से जो या तो फूड बनाते हैं या उसे स्टोर करते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, पौधे के वो हिस्से जिनसे नए पौधे उगते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स, द स्टेम, रूट एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। तना, जड़ और पत्ते पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। दे फॉर्म द मेन बॉडी ऑफ द प्लांट, ये पौधे का बुनियादी जिस्म बनाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द वेजिटेटिव पार्ट्स इन डिटेल। द स्टेम, स्टेम इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड। तना पौधे का वो हिस्सा है जो जमीन के ऊपर उगता है, बढ़ता है। इट बेयर लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। इसके पास पत्ते, कलियाँ, फूल और फल होते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेम, करैक्टरिस्टिक्स खसूसियात, एक तने की क्या खसूसियात होती हैं। द स्टेम इज यूजली इरेक्ट एंड अपराइट, तना आमतौर पर सीधा होता है और ऊपर की जानिब खड़ा होता है, जैसा कि गुलाब का पौधा। But some stems grow horizontally along the ground, like those of the strawberry plant. लेकिन कुछ पौधों का तना ज़मीन के मतवाजी होता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी का पौधा। Some stems are long, thin and weak as in climbing plants. कुछ पौधों के तने लंबे, पतले और कमज़ोर होते हैं, जैसा कि बेलदार पौधे। और they are thick and fleshy as in bulbs and corms. और कुछ पौधों के तने मोटे और गूदेदार होते हैं, जैसे कि बल्ब्स और कोरम्स। लीव्स एंड बर्ड्स ग्रो ऑन द स्टेम फ्रॉम स्वॉलन एरियाज आर कॉल्ड नोड्स। पत्ते और कलियां जो कि स्टेम के उस हिस्से से उगते हैं जो कि पूरा हुआ होता है, उसको हम नोड कहते हैं। अगर हम एक तने पर लगे हुए पत्ते को उसके साथ से अलग करें, तो पत्ते और तने का वो हिस्सा जहाँ से पत्ता तने के साथ जुड़ा हुआ था, उसके ऊपर हम एक उभार महसूस करते हैं, जिसको हम नोड कहते हैं। एंड द स्पेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज कॉल्ड एन इंटरनोड। अगर हम दो पत्तों को उनकी जगह से तोड़ें, तो उन दोनों की जगह पे हम उभार देखेंगे जो कि नोड्स हैं, और उन दोनों नोड्स के दरमियान की जगह, द स्पेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, उसको हम कह रहे हैं इंटरनोड। सम स्टेम्स सच एज दोज ऑफ पोटैटोज एंड जिंजर ग्रो अंडरग्राउंड एंड स्टोर अ लॉट ऑफ फूड। कुछ तने जैसे कि आलू और अदरक ये ज़मीन के अंदर उगते हैं और इनके अंदर खुराक स्टोर हुई होती है, इनके अंदर फूड स्टोर होता है। दीज हैव बर्ड्स नोड्स एंड इंटर नोड्स एंड आर क्लासिफाइड एज अंडरग्राउंड स्टेम। ये ऐसे तने हैं जो कि ज़मीन के अंदर की जानिब उगते हैं, इनको अंडरग्राउंड स्टेम कहा जाता है, और इनकी बर्ड नोड और इंटर नोड सब मौजूद होता है। Young stems are green because they contain chlorophyll. Chlorophyll, एक ग्रीन कलर का लिक्विड
जो कि पौधों में पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे हमें ग्रीन दिखाई देते हैं, सब्ज दिखाई देते हैं, और जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। यंग स्टेम्स, नई उगने वाले तने, नई उगने वाली शाखें सब्ज होती हैं क्योंकि उनके अंदर भी क्लोरोफिल मौजूद होता है। दे ऑल्सो हैव टाइनी होल्स और स्टोमेटा फॉर द गैस एक्सचेंज। स्टोमेटा, छोटे छोटे सुराख जो कि पत्तों में पाए जाते हैं, वही यंग स्टेम इन शाखों में भी पाए जाते हैं जो कि गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। Now we are going to discuss the functions of the stem. The stem bears the leaves, buds, flowers and fruits of the plant. Ek stem ek tane ke upar hi paude ki patte, kaliyan, phool aur phal lagte hain. It spaces out the leaves so that each leaf obtain air and sunlight. पत्तों के दरमियान में खाली जगह होती है, पत्ते एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते, ताकि हर पत्ते को हवा और सूरज की रोशनी उतनी मिकदार में मिल सके जितनी उसको ज़रूरत है। इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम के अंदर छोटे छोटे बारीक से पाइप्स होते हैं जिनको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। उनके थ्रू एक पौधा रूट से लीव्स और दूसरे पार्ट्स तक पानी और उसके अलावा खुराक को पहुंचाता है। इट होल्ड्स द फ्लावर्स एक्सपोज टू द एयर सो दैट दे कैन पोलिनेटेड बाई इंसेक्ट और द विंड। इसके अलावा एक स्टेम के ऊपर फूल भी लगे होते हैं जो कि हवा में होते हैं, उसके ज़रिए उन फूलों के ज़रिए इंसेक्ट या फिर हवा के ज़रिए पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन यंग ग्रीन स्टेम्स। सम स्टेम स्टोर फूड एंड देयरफॉर बिकम थिक एंड फ्लैशी। ग्रीन स्टेम्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है जो कि हम पहले देख चुके हैं। उसके अलावा कुछ स्टेम जो हैं उनके अंदर फूड स्टोर हुआ होता है जिसकी वजह से वो मोटी होती हैं और गुदेदार होती हैं। पेज नंबर 3, द रूट। द रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ नॉन ग्रीन इन कलर। जड़ पौधे का ज़ेर ज़मीन हिस्सा होता है, यानी ये ज़मीन के नीचे निकलता है और ये नॉन ग्रीन यानी के सब्ज रंग का नहीं होता। इट डज नॉट बेयर लीव्स और बड्स बट इट हैज़ अ ग्रोइंग पॉइंट और रूट टिप बाय विच इट इंक्रीजेज इन लेंथ। जड़ के पास पत्ते और कोंपलें नहीं होती, इसका सिरा जिसको हम रूट टिप कहते हैं वो लंबाई में जो जड़ की लंबाई में इजाफा करता है। द टिप इज़ प्रोटेक्टेड बाई अ स्ट्रॉन्ग रूट कैप। रूट टिप एक नाजुक हिस्सा होता है, उसकी हिफाजत एक सख्त हिस्सा रूट कैप करता है। अ लिटल अबव द रूट कैप इज़ अ रीजन विच हैज़ अ वेरी फाइन रूट हेयर्स। रूट कैप थोड़े से ऊपर के हिस्से पे छोटे छोटे से बारीक बाल होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं, विच हेल्प द रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। रूट हेयर्स जड़ को ज़मीन से नमक और पानी वगैरह को एब्जॉर्ब करने में मदद देते हैं। सम रूट्स हैव वन थिक मेन रूट फ्रॉम विच ब्रांच रूट्स ग्रो। कुछ पौधों के पास एक ही जड़ होती है जिसमें से शाखदार जड़ें निकलती हैं। सच रूट्स लाइक कैरेट्स एंड रेडिशेस आर कॉल्ड टैप रूट। ऐसी जड़ें जैसा कि गाजर और मुनिया, इन्हें हम टैप रूट कहते हैं। In some plants, like grasses, many branched roots of the same size grow at the same time. कुछ पौधों जैसा कि घास में बहुत सी शाखदार जड़ें एक ही साइज में एक ही टाइम पे निकलती हैं। Such roots are called fibrous roots. और ऐसी जड़ों को हम fibrous roots कहते हैं। Some roots, like the onion bulb, grow directly from the stem. These are called adventitious roots. कुछ पौधों में कुछ जड़ें लाइक ऐसे होती हैं जो कि
डायरेक्टली तने से निकलती हैं, जैसे कि प्याज. दीज आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स, और इनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं. पेज नंबर 3, फंक्शंस ऑफ द रूट. अ रूट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. एक जड़ पौधे को मिट्टी के अंदर मजबूती से पकड़े रखती है. इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल. ये ज़मीन के अंदर से मादनी नमकियात और पानी को जज्ब करती है. अ रूट में स्टोर फूड एज वेल. एक जड़ खुराक भी ज़खीरा करती है. पेज नंबर 3, द लीफ, पत्ता. द लीफ इज़ द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज फ्रॉम अ नोड ऑन द स्टेम. पत्ता एक सीधा सब्ज रंग का पौधे का हिस्सा होता है जो कि तने पर मौजूद उभार नोड से निकलता है. इट हैज़ टू सरफेसेस, इसकी दो सतह होती हैं. एंड अपर शाइनी सरफेस, ऊपर की चमकदार सतह. एंड अ लोअर डल सरफेस, और नीचे की गैर चमकदार सतह. विच कंटेन्स टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा. नीचे की सतह पर छोटे छोटे से सुराख मौजूद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं. द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज द लीफ ब्लेड और लेमिना. पत्ते का सीधा सब्ज हिस्सा लीफ ब्लेड या लेमिना कहलाता है. विच इज अटैच टू द स्टेम बाय अ लीफ स्टॉक और पेट्यूल. लेमिना तने के साथ एक छोटी सी टहनी के जरिए से जुड़ा होता है जिसको हम पेटियोल कहते हैं. द लेमिना इज सपोर्टेड बाय अ थिक मिडरिब इन द मिडल एंड अ नेटवर्क ऑफ वेन विच सपोर्टेड फूड एंड वाटर इन द लीफ. लेमिना को यानी पत्ते की सतह को तने के साथ सपोर्ट रखने के लिए एक दरमियान में मौजूद एक मोटी मिडरिब और वेन्स का पूरा जाल मौजूद होता है जो कि पत्ते के अंदर पानी और खुराक भी मुहैया कर रहा होता है. पेज नंबर 4, फंक्शंस ऑफ द लीफ, पत्ते के काम. द लीफ मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर द प्लांट. पत्ता पौधे के लिए खुराक बनाता है थ्रू प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. एक अमल के जरिए से जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. स्टोमेटा इन द लीव्स हेल्प इन गैशियस एक्सचेंज. पत्ते में मौजूद स्टोमेटा गैसों के तबादले में मदद देते हैं. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, स्टोमेटा छोटे छोटे सुराख हैं जो पत्ते की निचली सतह पर मौजूद होते हैं. सम थिक एंड फ्लैशी लीव्स स्टोर फूड. कुछ मोटे और गूदेदार पत्ते खुराक जखीरा करते हैं. पेज नंबर 4, पैराग्राफ 2, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. पौधे के तौलीदी हिस्से यानी कि वो हिस्से जहाँ से फल या बीज बनते हैं जिनसे आगे नए पौधे बनते हैं. द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. फूल पौधे का तौलीदी हिस्सा होता है. इट मेक्स फ्रूट्स एंड सीड्स. ये फल और बीज बनाता है. फ्रॉम विच, जिनसे. न्यू प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर प्रोड्यूस. उसी किस्म के नए पौधे पैदा होते हैं. इट कंटेन्स द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. फूल के पास नर और मादा तौलीदी हिस्से पाए जाते हैं. सम फ्लावर्स आर आइदर मेल और फीमेल डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट दे कंटेन. कुछ फूल अपनी साख्त की बुनियाद पर या तो नर होते हैं या मादा होते हैं. इस बात का इन्हिसार इस चीज़ पर है कि वो उनके पास कौन सा हिस्सा पाया जा रहा है. इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों में द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन अ ग्रुप और क्लस्टर कॉल्ड एन इनफ्लोरेसेंस. फूल एक मजमूए की सूरत में इकट्ठे पाए जाते हैं जिसे हम एक इनफ्लोरेसेंस कहते हैं. पेज नंबर 4, पैराग्राफ 3,
parts of a flower, phool ke hisse. The parts of a flower are arranged in circles or whorls on the receptacle. Phool ke hisse दायरों या हलकों की सूरत में रिसेप्टिकल के ऊपर तरतीब से मौजूद होते हैं. रिसेप्टिकल विच इज़ द फ्लैटेंड टिप ऑफ द फ्लावर स्टॉक और पेडिसल. रिसेप्टिकल पेडिसल यानी कि फूल की टहनी के ऊपर की सीधी सतह होती है. द कैलेक्स इज़ द आउटर मोस्ट वर्ल एंड इज कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल ग्रीन लीव्स कॉल्ड सेपल्स. कैलेक्स सबसे बैरूनी हल्का होता है जो कि छोटी सब्ज पत्तियों पर मुश्तमिल होता है जिन्हें हम सेपल्स कहते हैं, विच प्रोटेक्ट द बड जो कि कली की हिफाजत करते हैं. द करोला इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर. करोला फूल का रंगीन हिस्सा होता है एंड इज़ द सेकेंड वर्ल फ्रॉम द आउटसाइड और ये बैरूनी जानिब से दूसरा हल्का होता है. इट इज़ कम्पोज ऑफ ब्राइटली कलर्ड सेंटेड लीव्स कॉल्ड पेटल्स. ये शोख रंगों की खुशबूदार पत्तियों पर मुश्तमिल होता है जिन्हें हम पेटल्स कहते हैं, विच प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स जो कि अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करता है एंड ऑल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन और पोलिनेशन के लिए कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ मतवज्जा करता है. डेंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. एंड्रोशियम फूल का नर हिस्सा होता है विच फॉर्म्स द थर्ड वर्ल जो कि तीसरा हल्का बनाता है. इट इज़ कम्पोज ऑफ स्टेमन्स. ये स्टेमन्स से मिलकर बना है. ईच स्टेमन हैज़ टू पार्ट्स. हर स्टेमन के दो हिस्से होते हैं. अ फिलामेंट, एक फिलामेंट विच इज़ अ थिन स्टॉक जो कि एक पतली टहनी होती है एंड एन एंथर और एक एंथर विच इज़ अटैच टू द फिलामेंट जो कि फिलामेंट के सिरे से जुड़ा होता है एंड कंटेन्स फोर पोलन सैक्स और अपने पास चार पोलन सैक्स यानी कि चार पोलन की थैलियाँ रखता है. द मेल सेक्स सेल्स और गैमीट्स आर द पोलन ग्रेन्स. मेल सेक्स सेल के गैमीट्स को हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द पोलन सैक्स जो कि इन्हीं पोलन सैक्स इन्हीं पोलन की थैलियों में पैदा होते हैं या बनते हैं. द गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड कंपोज्ड ऑफ कार्पल. गाइनोशियम फूल का मादा हिस्सा होता है और ये कार्पल से मिलकर बना है. ईच कार्पल हैज़ थ्री पार्ट. हर कार्पल के तीन हिस्से होते हैं. द ओवरी और द स्वोलन बेसल पार्ट. ओवरी जो कि फूला हुआ नीचे का सतह हो नीचे का हिस्सा होता है कंटेनिंग द फीमेल सेक्स सेल्स कॉल्ड द ओव्यूल्स जिसके अंदर मादा सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम ओव्यूल कहते हैं. द स्टाइल विच इज़ थिन स्टॉक. दूसरा हिस्सा कार्पल का दूसरा हिस्सा स्टाइल कहलाता है जो कि एक पतली टहनी होती है एंड द स्टिग्मा और तीसरा हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है विच इज़ द फ्लैट टिप ऑफ द कार्पल जो कि कार्पल की ऊपर की सीधी सतह होती है. द स्टिग्मा इज़ यूजली स्टिकी एंड रिसीव्स द पोलन ग्रेन ड्यूरिंग पोलिनेशन. स्टिग्मा आमतौर पर चिपकने वाला होता है और ये पोलिनेशन के दौरान आने वाले पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है वसूल करता है. आफ्टर विच फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड इन द ओवरी जिसके बाद ओवरी फल में या फिर बीज में तब्दील होती है. देयर मे बी द स्मॉल ग्लैंड्स और नेक्टरीज एट द बेसल पार्ट ऑफ द कार्पल विच प्रोड्यूस अ स्वीट जूस कॉल्ड नेक्टर. दिस अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन.
कार्पल के निचले हिस्से में, निचले सतह पे छोटे छोटे से ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे से गदूद होते हैं जिनको हम नेक्टेरीज कहते हैं, जो कि एक मीठा रस बनाते हैं जिसे हम नेक्टर कहते हैं। और यही जूस कीड़े मकोड़ों को पोलिनेशन के लिए अपनी तरफ मतवज्जा करता है। पेज नंबर 5, वेरिएशंस इन फ्लावर स्ट्रक्चर, यानी फूलों की सांस में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ। इन सम फ्लावर्स द पेटल्स एंड सेपल्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एज इन द स्वीट पी एंड फॉक्स ग्लोव। कुछ फूलों में पेटल्स और सेपल, यानी कि पत्तियाँ, फूल की पत्तियाँ और सेपल्स आपस में जुड़कर इकट्ठे एक नलकी की तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिस तरह स्वीट पी और फॉक्स ग्लोव में होता है। इन सम फ्लावर्स, कुछ फूलों में लाइक द रोज, जैसे कि गुलाब, द पेटल्स आर फ्री, पत्तियाँ आज़ाद होती हैं, एंड आर ऑफ द सेम साइज, और वो एक जितनी होती हैं। दे आर अरेंज्ड इन मैनी हॉरल्स, और वो बहुत से दायरों की सूरत में मुश्तमिल में पाई जाती हैं। इन सम फ्लावर्स, कुछ फूलों में लाइक द हिबिस्कस, जैसा कि हिबिस्कस, द कार्पल्स आर फ्यूज टू फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कार्पल्स एक दूसरे के साथ जुड़कर एक नलकी की तरह की साख्त बनाते हैं, एंड द एंथर्स आर अटैच्ड एट द टिप ऑफ दिस ट्यूब, और एंथर इस ट्यूब की इस नलकी के ऊपरी हिस्से पर जुड़े हुए हैं। इन अदर प्लांट्स, कुछ पौधों में द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन सच डेंस क्लस्टर that they appear to be a single flower. कुछ पौधों में फूल एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हुए होते हैं कि वो दिखने में एक अकेला फूल महसूस होते हैं। An example of this would be the sunflower. इसकी एक मिसाल सूरजमुखी का फूल है, in which the corolla is the actually composed of a number of small flowers called ray florets, जिसमें करोला दरअसल बहुत से छोटे फूलों पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें हम रे फ्लोरेट्स कह रहे हैं। एंड द डेंस फ्लावर, डेंस ब्राउन पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ अ वेरी स्मॉल कंप्लीट फ्लावर्स कॉल्ड डिस्क फ्लोरेट्स विच प्रोड्यूस सीड्स, और दरमियान का भूरा हिस्सा छोटे छोटे मुकम्मल फूलों पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें हम डिस्क फ्लोरेट्स कहते हैं, जो बीज बनाता है। जैसे कि हम तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक सूरजमुखी का फूल मौजूद है, जो दिखने में हमें एक फूल लगता है, लेकिन उसकी हर एक पत्ती, ये जो उसकी येलो कलर की पेटल्स हैं, जो वो दरअसल हर पत्ती एक सिंगल फूल है, रे फ्लोरेट है, जबकि दरमियान का हिस्सा, उसमें भी हर एक छोटे छोटे फूलों का एक पूरा क्लस्टर मौजूद है, जो कि डिस्क फ्लोरेट कहलाते हैं और बीज बनाते हैं। सम फ्लावर्स आर नॉट ब्राइटली कलर्ड, कुछ फूल शोख रंगों के नहीं होते, दे आर ग्रीन एंड आर अरेंज्ड इन एन इनफ्लोरेसेंस कॉल्ड अ स्पाइक, वो सब्ज रंग के होते हैं और एक गुच्छे की सूरत में मौजूद होते हैं, जिसे हम स्पाइक कहते हैं। दे हैव नो सेंट, इनकी कोई खुशबू नहीं होती, और नेक्टर और जूस भी नहीं, इनमें रस भी नहीं होता। एग्जाम्पल्स इंक्लूड वीट, मेज, ग्रास एटसेट्रा। इसकी मिसालों में हम लेते हैं गंदम को, मकई को और घास को। पेज नंबर 6, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। The body of an animal can be divided into two distinct regions, the head and the trunk. एक जानवर के जिस्म को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, head, सर, and the trunk, नीचे का जिस्म, नीचे का हिस्सा। The head is the front or anterior part of the body. सर जिस्म का अगला या सबसे पहला हिस्सा होता है। It usually contains the mouth and the sensory organs. इसके पास आमतौर पर मुंह और दूसरी हिस्से मौजूद होते हैं। The head also contains the brain. सर के पास दिमाग होता है, which controls and connects all the sensory organs, जो कि तमाम हिस्सी अज़ा को कंट्रोल करता है और उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, जोड़ता है।
These sensory organs help the animal detect changes in its environment, in its surroundings, and react to them accordingly. यही हिस्से अज़ा, यही सेंसरी ऑर्गन्स एक जानवर की मदद करते हैं उसके सराउंडिंग में, उसके इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों पर, और उसके अकॉर्डिंगली, उसके मुताबिक रद्द अमल ज़ाहिर करने पर. पेज नंबर 6, पैराग्राफ 3, द ट्रंक. द ट्रंक इज़ द लोअर और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी which contains all the important organs and systems of the body. Trunk, jism ka nichla hissa hota hai, jiske andar tamam zaruri azza aur tamam systems maujood hote hain. It also includes the limbs which enable the animal to move. Trunk ke paas bazu aur taange maujood hoti hain, jinke zariye se ek janwar, ek jandar move karta hai, harkat karta hai. पेज नंबर 6, पैराग्राफ 4, स्केलेटन, ढांचा. एनिमल बॉडीज आर सॉफ्ट एंड इलास्टिक. जानवरों का जिस्म नरम और खिंचावदार होता है, सो दे नीड अ हार्ड सब्सटेंस टू सपोर्ट देम. इसलिए इनको एक सख्त चीज़ की ज़रूरत होती है सहारा देने के लिए. सम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, कुछ नरम जिसामत के जानवर लाइक जेलीफिश डू नॉट हैव अ हार्ड स्केलेटन. जैसे कि जेलीफिश के पास एक सख्त ढांचा नहीं होता. द सराउंडिंग वाटर सपोर्ट्स द बॉडी. त्राफ में मौजूद पानी उनके जिस्म को सहारा देता है, सपोर्ट करता है. द हार्ड मटीरियल विच सपोर्ट्स एंड गिव शेप टू द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड द स्केलेटन. वो सख्त चीज़ जो जानवर के जिस्म को सहारा देती है और शक्ल देती है, ढांचा यानी स्केलेटन कहलाती है. पेज नंबर 6, पैराग्राफ 5, टाइप्स ऑफ स्केलेटन, ढांचों की इकसाम. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, यानी कि ऐसा ढांचा जिसमें जानवर के जिस्म में पानी मौजूद होता है जो इस जानवर के जिस्म को शक्ल और सहारा देता है. सम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, कुछ नरम जिसामत के जानवर लाइक जैसे कि अर्थवर्म्स, केंचवे एंड कैटरपिलर्स और लार्वे डू नॉट हैव हार्ड स्केलेटन, सख्त ढांचा नहीं रखते. देयर बॉडीज आर सपोर्टेड बाय अ लिक्विड. इनकी इनके जिस्म को एक मायानिक लिक्विड ने सहारा दिया होता है विच इज़ प्रेजेंट इन द सेल्स, जो कि इनके सेल्स में या खुलियों में पाया जाता है, एंड इन द स्पेस बिटवीन दैम, और उन खुलियों के बीच मौजूद खाली जगह में पाया जाता है. दिस टाइप ऑफ अ स्केलेटन इज कॉल्ड अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, और इस तरह के ढांचे को हम हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कहते हैं. पेज नंबर 6, टाइप्स ऑफ स्केलेटन, पैराग्राफ 2, एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन यानी कि जिस्म के बाहर की जानिब मौजूद खोल या ढांचा. एन एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स यानी कि वो एनिमल्स, वो जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी बैकबोन मौजूद नहीं होती. एक्सोस्केलेटन बहुत से इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है. द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स आर कवर्ड बाय अ हार्ड टफ स्किन और क्यूटिकल. कीड़े मकोड़ों का जिस्म, इंसेक्ट्स का जिस्म एक सख्त जिल्द या क्यूटिकल से ढका होता है विच इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ मटीरियल कॉल्ड काइटिन, जो कि एक ऐसे मवाद से मिलकर बनी है जिस पर पानी असर नहीं करता. इसे हम काइटिन कहते हैं. द क्यूटिकल इज कंपोज्ड ऑफ प्लेट्स एंड हॉलो ट्यूब्स. क्यूटिकल प्लेटों और खोखली नलकियों या नालियों से मिलकर बना होता है विच नॉट ओनली प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट्स द बॉडी
जो ना सिर्फ जानवर के जिस्म की हिफाजत करता और सहारा देता है, बट ऑल्सो गिव इट अ स्पेसिफिक शेप, बल्कि से एक मखसूस शक्ल भी देता है। मूवमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय मसल्स। जानवर के जिस्म की हरकत पट्ठों के जरिए से होती है, विच आर अटैच्ड टू द इनसाइड ऑफ द एक्सोस्केलेटन, जो कि एक्सोस्केलेटन के अंदर की जानिब जुड़े हुए होते हैं। पेज नंबर 7, पैराग्राफ 1। डिफरेंट कलर्स ऑफ द एक्सोस्केलेटन हेल्प द एनिमल टू हाइड फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड ऑल्सो टू अट्रैक्ट इट्स मेट। एक्सोस्केलेटन के मुख्तलिफ रंग जानवर को शिकारियों से बचने और अपने साथी को मतवज्जा करने में भी मदद देते हैं। द एक्सोस्केलेटन डज नॉट ग्रो विद द बॉडी ऑफ एन एनिमल। एक्सोस्केलेटन जानवर के जिस्म के साथ नहीं बढ़ता, सो एज द एनिमल ग्रोज, जैसे जैसे जानवर बढ़ता है, द क्यूटिकल इज शेड, क्यूटिकल गिर जाता है एंड द न्यू वन ग्रोज इन इट्स प्लेस, और नई क्यूटिकल उग कर इसकी जगह ले लेती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग, और ये तरीका मोल्टिंग कहलाता है। पेज नंबर 7, पैराग्राफ 2। एंडोस्केलेटन यानी कि जिस्म के अंदर मौजूद ढांचा। ऑल वर्टिब्रेट्स आर सपोर्टेड बाय अ हार्ड इंटरनल स्केलेटन कॉल्ड द एंडोस्केलेटन। वर्टिब्रेट्स यानी कि वो जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी बैकबोन मौजूद होती है। तमाम इन वर्टिब्रेट्स को एक अंदरूनी सख्त ढांचा सहारा देता है, सपोर्ट करता है, जिसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। द एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। एंडोस्केलेटन मुख्तलिफ अशकाल और जिसामत की हड्डियों से मिलकर बनता है। इट ग्रोज विद द बॉडी ऑफ द एनिमल। ये जानवर के जिस्म के साथ साथ बढ़ता है। इट सपोर्ट्स द बॉडी एंड गिव्स इट शेप। ये जिस्म को सहारा देता है और इसे शक्ल देता है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये अंदरूनी अज़ा की हिफाजत करता है और जिस्म को हरकत करने में मदद देता है। द लॉन्ग बोन्स प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स। लंबी हड्डियाँ खून के सुर्ख और सफ़ेद खुलिए बनाती हैं। पेज नंबर 7, पैराग्राफ 3। बोन्स हड्डियाँ। बोन्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स। हड्डियाँ जिंदा खुलियों लिविंग सेल्स से मिलकर बनी है एंड मिनरल सब्सटेंसेस और मदनी चीज़ों से, मदनी मवाद से, सच एज कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जैसा कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स और फॉस्फेट्स से मिलकर बनी होती हैं। दे कैन बियर वेट एंड एब्जॉर्ब प्रेशर, ये वजन बर्दाश्त कर सकती हैं और दबाव को जज्ब कर लेती हैं। दे आर लाइट एंड रिजिड बट नॉट ब्रिटल, ये सख्त और हल्की होती हैं मगर रेजा रेजा नहीं हो सकती। पेज नंबर 7, पैराग्राफ 4। जनरल प्लान ऑफ द स्केलेटन, ढांचे की अमूमी तरतीब। द स्केलेटन ऑफ अ मैमल कैन बी डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स। मैमल वो जानवर, वो एनिमल जिनके जिस्म पर बाल होते हैं और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। द स्केलेटन ऑफ अ मैमल, एक मैमल का ढांचा कैन बी डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, दो हिस्सों में तकसीम होता है। द एक्सियल स्केलेटन फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। एक्सियल स्केलेटन जिस्म का मरकजी हिस्सा बनाता है। द स्कल खोपड़ी, द वर्टिब्रल कॉलम
रीढ़ की हड्डी या बैकबोन एंड द रिब केज, और पसलियाँ फॉर्म द एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं। द अपेंडिकुलर स्केलेटन इज अटैच्ड टू द एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन एक्सियल स्केलेटन के साथ जुड़ा होता है। द शोल्डर प्लेट्स, कंधे की हड्डियाँ, हिप बोन्स, द बोन्स ऑफ आर्म्स, लेग्स एंड शोल्डर्स, बाजू, टांगों और कंधों की हड्डियाँ फॉर्म द अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती हैं। पेज नंबर 8, जॉइंट्स, जोड़। द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। वो जगह जहाँ दो हड्डियाँ मिलती हैं एक जॉइंट या जोड़ कहलाता है। बोन्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय टफ फाइबर्स कॉल्ड लिगामेंट्स। हड्डियाँ एक दूसरे के साथ सख्त रेशों के साथ जुड़ी होती हैं जिन्हें लिगामेंट्स कहते हैं। सॉफ्ट बोन और कार्टिलेज कवर्स द एंड्स ऑफ बोन्स। नर्म हड्डी या कार्टिलेज हड्डियों के सिरों को ढांपती है। एंड अ फ्लूइड कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द स्पेस वेयर टू बोन्स रब अगेंस्ट ईच अदर। और एक लिक्विड जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो दो हड्डियाँ जहाँ एक दूसरे से रगड़ खाती हैं उनके बीच खाली जगह में पाया जाता है। अ जॉइंट इज इनक्लोज्ड इन अ टफ मेम्ब्रेन कॉल्ड अ कैप्सूल। एक जोड़ या जॉइंट मजबूत खोल में बंद होता है जिसे कैप्सूल कहते हैं। मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग नॉन इलास्टिक फाइबर्स कॉल्ड टेंडोन्स। मसल्स यानी पट्टे हड्डियों के साथ गैर खिंचावदार रेशों के जरिए जुड़े होते हैं जो टेंडोन्स कहलाते हैं। पेज नंबर 8, पैराग्राफ 2, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जोड़ों की अकसाम। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स दैट कीप द बोन्स टुगेदर आर, कुछ अहम जोड़ जो हड्डियों को इकट्ठा रखते हैं वो हैं, नंबर 1, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर एंड हिप जॉइंट। जैसे कि कंधे और हिप जॉइंट का जोड़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। नंबर 2, हिंज जॉइंट, एल्बो एंड नी जॉइंट, कोहनी और घुटने के जोड़ को हिंज जॉइंट कहते हैं। नंबर 3, स्लाइडिंग जॉइंट, रिस्ट एंड एंकल जॉइंट, कलाई और टखने का जोड़ स्लाइडिंग जॉइंट कहलाता है। नंबर 4, फिक्स्ड जॉइंट, बोन्स ऑफ द स्कल, खोपड़ी की हड्डियों के दरमियान मौजूद जॉइंट फिक्स्ड जॉइंट कहलाता है। नंबर 5, पिवट जॉइंट, द फर्स्ट टू वर्टिब्रा ऑफ द बैक बोन, रीढ़ की हड्डी में मौजूद पहली दो हड्डियां के दरमियान मौजूद जोड़ पिवट जॉइंट कहलाता है। Now we are going to discuss the exercise of unit number 1, structure of living organisms. Question number 1, name the vegetative and reproductive parts of a plant. पौधों के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के नाम बताएं। वेजिटेटिव पार्ट्स आर, नंबर 1, स्टेम, नंबर 2, रूट, नंबर 3, लीव्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर, फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द स्टेम ऑफ अ प्लांट, पौधे के तने की वजाहत करें। आंसर, द स्टेम इज द प्लांट पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड। इट बियर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इट इज यूजली इरेक्ट बट समटाइम थिन एंड वीक और थिक और फ्लैशी। It transport water and food from root to the all other parts of the plant. तना जमीन के ऊपर उगने वाला पौधे का हिस्सा होता है। इसके पास पत्ते, कोंपलें, फूल और फल होते हैं। ये अमूमन सीधा होता है लेकिन ये
बाज़ औक़ात पतला और कमज़ोर या थिक या मोटा और गूदेदार होता है। यह पानी और खुराक को जड़ से पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट। जड़ की मुख्तलिफ इकसाम के नाम बताएं और उनके बारे में वजाहत करें। द डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स आर नंबर 1 टैप रूट्स एंड नंबर 2 फाइबरस रूट्स, नंबर 3 एडवेंटिशियस रूट्स। टैप रूट्स, सम प्लांट्स हैव वन थिक मेन रूट फ्रॉम विच ब्रांच रूट्स ग्रो, फॉर एग्जाम्पल कैरेट्स। कुछ पौधों के पास एक मोटी बरकसी जड़ होती है जिससे शाखदार जड़ें निकलती हैं, जैसा कि गाजर। फाइब्रस रूट्स, इन सम प्लांट्स मैनी ब्रांच रूट्स ऑफ द सेम साइज ग्रो एट सेम टाइम, लाइक ग्रास। कुछ पौधों में बहुत सी शाखदार जड़ें एक ही वक्त में उगती हैं, जैसे कि घास। एडवेंटिशियस रूट्स, सम रूट्स ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम स्टेम, कुछ जड़ें तने से सिर्फ तने से निकलती हैं, आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स कहलाती हैं, जैसे कि अनियन बल्ब प्याज में। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अ लीफ। पत्ते के काम बयान करें। द लीफ मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर द प्लांट्स, पत्ता पौधे के लिए खुराक बनाता है। स्टोमेटा इन द लीव्स हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, पत्ते में मौजूद स्टोमेटा गैसों के तबादले में मदद करते हैं। सम थिक एंड फ्लैशी लीव्स स्टोर फूड, कुछ मोटे और गूदेदार पत्ते खुराक को ज़खीरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फूल के नर और मादा तोलीदी हिस्से के बारे में लिखें। एंड्रोशियम मेल पार्ट, इट इज़ द थर्ड वर्ल एंड कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स, ये तीसरा हल्का होता है और स्टेमन से मिलकर बना है। ईच स्टेमन हैज़ अ फिलामेंट, हर स्टेमन के पास एक फिलामेंट होता है एंड एन एंथर और एक एंथर होता है विच कंटेन्स पोलन ग्रेन्स, जिसमें पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। द सेकेंड पार्ट इज़ गनेशियम विच इज़ द फीमेल पार्ट, इट इज़ कम्पोज ऑफ 3 पार्ट्स, ये तीन हिस्सों से मिलकर बना है। नंबर 1 ओवरी विच इज़ स्वोलन बेजल पार्ट, नंबर 2 स्टाइल विच इज़ अ थिन स्टॉक, एंड द थर्ड स्टिग्मा विच इज़ द फ्लैट टिप। गनेशियम तीन हिस्सों से मिलकर बन रहा है, निचला फूला हिस्सा ओवरी, उसके ऊपर का पतला तना स्टाइल, और स्टाइल के ऊपर सीधी सतह स्टिग्मा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ स्केलेटन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटन फाउंड इन एनिमल्स। द हार्ड मटीरियल विच सपोर्ट्स एंड गिव्स शेप टू द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड द स्केलेटन, वो सख्त मवाद जो कि इंसानी जिस्म को या जानवर के जिस्म को सहारा देता है और शक्ल देता है, ढांचा कहलाता है। Types of skeleton, hydrostatic skeleton, bodies of some animals are supported by liquid which is present in the cells. This type of skeleton is called hydrostatic skeleton as in earthworm. कुछ जानवरों का जिस्म एक माया सपोर्ट करता है, माया ने सहारा दिया होता है जो कि उनके खुलियों के दरमियान पाया जाता है। इस तरह के स्केलेटन, इस तरह के ढांचे को हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कहते हैं, जैसा कि अर्थवर्म यानी केंचुए में होता है। नंबर 2 एक्सोस्केलेटन, हार्ड टफ स्किन और क्यूटिकल प्लेट्स एंड हॉलो ट्यूब्स मेड अप द एक्सोस्केलेटन विच नॉट ओनली प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट बट ऑल्सो गिव इट अ स्पेसिफिक शेप एज इन इंसेक्ट्स। एक सख्त जिल्द या क्यूटिकल से बनी हुई प्लेट्स और खोखली नालियाँ एक्सोस्केलेटन बनाती हैं, जो ना सिर्फ एक
कीड़े के जिस्म को सहारा देता है बल्कि उसको शेप भी देता है, शक्ल भी देता है। एंडोस्केलेटन, ऑल वर्टिब्रेट्स आर सपोर्टेड बाय अ हार्ड इंटरनल स्केलेटन कॉल्ड द एंडोस्केलेटन। तमाम वर्टिब्रेट्स के जिस्म को एक सख्त अंदरूनी ढांचा सपोर्ट करता है जो एंडोस्केलेटन कहलाता है। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस एज इन एनिमल्स। एंडोस्केलेटन मुख्तलिफ जिसामत और अशकाल की हड्डियों से मिलकर बनता है जैसे कि जानवरों में होता है। क्वेश्चन टू, राइट टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। हर एक के दो अहम काम लिखें। रूट, नंबर वन, रूट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। जड़ पौधे को मजबूती से ज़मीन में पकड़े रखती है। नंबर टू, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। ये ज़मीन से मादनी नमकियात और पानी को जज्ब करती है। नंबर टू, स्टेम, स्टेम इट बियर्स द लीव्स बर्ड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट फॉर द प्लांट। ये पौधे के लिए पत्ते कोंपलें और फल फूल वगैरह रखती है। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम रूट टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स। ये जड़ से पानी और नमकियात को लेकर पत्तों और दूसरे हिस्सों तक पहुँचाती है। नंबर थ्री, लीव्स, लीव प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस। पत्ते फोटोसिंथेसिस के जरिए पौधे की खुराक बनाते हैं। नंबर टू, स्टोमेटा इन द लीव्स हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। और पत्ते में मौजूद स्टोमेटा गैसों के तबादले में मदद करते हैं। फ्लावर, इट मेक्स फ्रूट्स एंड सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस। ये फल और बीज बनाता है जिनसे नए पौधे उगते हैं। नंबर टू, इट्स कलर एंड सेंट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन। इसका रंग और खुशबू कीड़ों को पोलिनेशन के लिए अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स, दे हेल्प एनिमल टू डिटेक्ट चेंजेस अराउंड देम। ये जानवरों को अपने इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों को जानने में मदद करते हैं। एनिमल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गेट थ्रू देम। और जानवर इनसे मिलने वाली मालूमात के जरिए के मुताबिक रद्दअमल दिखाते हैं। स्केलेटन, प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी। जिस्म को शक्ल और सहारा मुहैया करता है। रेड ब्लड सेल्स मैन्युफैक्चर इनसाइड द लॉन्ग बोन्स ऑफ स्केलेटन। सुर्ख खून के खुलिये लंबी हड्डियों ढांचे की लंबी हड्डियों के अंदर बनते हैं। I hope you will understand this very well. Thank you very much. Allah Hafiz.